औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मौज़ा नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इशफाकर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह एग्री 786। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, दोस्तों के कमेंट थे कि हमें नीले थोथा क्या हम पोटैटो के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे होंगे और कितनी मकदार में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल पर ना है, वो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो हमें ज़मीन के ऊपर है, फसलों के ऊपर है, और आपकी रहनुमाई के लिए जो मालूमात वीडियो हम बनाते हैं, उनका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों, हम चलते हैं कि नीला थोथा दरअसल है, मैं पिछली एक वीडियो राइस के अंदर भी बता चुका हूं कि नीले थोथे के अंदर कॉपर और साथ में सल्फर पाया जाता है। ये दोनों चीज़ों के मरकब से नीला थोथा जो है वो हमारे सामने आता है। नीले थोथे का इस्तेमाल हम राइस पे तो 2 किलोग्राम खड़ी फसल में छट्टा कर सकते हैं, मगर आलू की फसल में हम तैयारी में अगर लगा देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आलू में क्या फ़ायदा देगी? ये बैक्टीरियल डिजीज़, तमाम बीमारियाँ जो हैं, फंगल डिजीज़, तमाम बीमारियाँ जो हैं, उन पर बेहतरीन कंट्रोल हासिल कर सकता है। जहाँ पे नीला थोथे का इस्तेमाल किया गया होगा, वहाँ पे बीमारियों की रेशो जो है वो कम होगी, वहाँ पे ब्राउन स्पॉट का मसला कम आएगा, वहाँ पे डिजीज जो है वो कम आएंगे, वहाँ पे आलू की रंगत जो है वो ज़बरदस्त होगी, वहाँ पे आलू का जो साइज़ है वो आपको देखने को बेहतरीन मिलेगा। अब इस्तेमाल कितना करना है, तो ये आपने इस्तेमाल करना है 4 से 5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से। उसे डली वाला जो आपको मिल जाए, अगर नीला होता तो क्या बात होगी, उसे अच्छी तरह पीस कर बारीक कर लें और DAP के साथ मिलाकर उसे छट्टा कर दें। याद रखें कि आलू की कराई से पहले पहले आप इसको छट्टा करना है, और उसके बाद आपने खेल दे देनी है। खेल देने के बाद 2-4 दिन के अंदर अंदर जब आप देख लें कि हमारी कराई मुकम्मल हो चुकी है, नक्कू बनने बेहतरीन बन चुके हैं, उस वक्त आप पानी लगा दें। ये तरीकाकार से ज़बरदस्त है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसे फ्लड भी कर सकते हैं। फ्लड करने के लिए हमें सबसे पहले इसे भगोना होगा, और भगोने के बाद इसे अच्छी तरह हल करके 2 किलोग्राम के हिसाब से फी एकड़ में आप फ्लड कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी खाद आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूरिया लगाना चाहते हैं, या नाइट्रो लगाना चाहते हैं, या गवारा लगाना चाहते हैं, कोई भी खाद आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके साथ लगाई जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, जो हमारा मैसेज आप तक मतवक्के था, वो आप तक पहुँचा और आप इससे फ़ायदा भी उठाएँगे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।